वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 7 पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा छोटे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको ऐसे ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसलिए हम इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे कैन लिव ऑलमोस्ट इन एवरी कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, और ये हर एक तरह की कंडीशन में रह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी, बहुत ज्यादा पानी के अंदर और बिल्कुल जहाँ पे सूखा होता है वहां पर भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑफ फोर टाइप्स, ये चार तरह के होते हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, तीसरा प्रोटोजोआ और लास्ट एल्गाए। तो ये इन चार तरह के होते हैं। नेक्स्ट है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये जो अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, बैक्टीरिया, फंगाए, प्रोटोजोआ और एल्गाए, तो ये इनसे अलग होते हैं। नेक्स्ट है, COVID-19 इज अ टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना डिसीज। जो COVID-19 है वो भी एक तरह का वायरस है जिससे कोरोना डिसीज फैल रहा है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालते हैं, कि वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अब हम ये कैसे करते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मेनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक। तो जो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारी मदद करते हैं काफी सारे खाने की चीजों में, ठीक है, काफी सारे खाने की चीजें बनाने में ये हमारी मदद करते हैं। जैसे दही, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। वो एक बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो उसकी मदद से बनाया जाता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे ही ये और भी काफी सारी चीजों में हमारी मदद करता है, जैसे चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, खाद जो होती है वो बनाने में काम करता है। इसके अलावा दवाइयां बनाने में ये काम करता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारी मदद करता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे चीज, ब्रेड, खाद, ये सब बनाने में, दवाइयां बनाने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हमारी मदद करते हैं। पर क्या ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे ही हेल्पफुल है, सारे ही अच्छे होते हैं हमारे लिए? तो ऐसा नहीं है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए जो है हार्मफुल है। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय एयर, वाटर, सॉइल और फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड मेक दैट पर्सन इल। तो जो बीमारियां, जो बैक्टीरिया, फंगाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, वो एक इंसान से, एक बीमार इंसान से दूसरे स्वस्थ इंसान, जिस इंसान को बीमारी नहीं है उसमें भी फैल सकती है। और ये कैसे फैलेगा? ये एयर, वाटर, सॉइल और फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो ये पानी, हवा और सॉइल और फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू जो है, इन सब चीजों के थ्रू जो है, ये एक संक्रमित व्यक्ति से, मतलब एक बीमार व्यक्ति से, एक हेल्दी पर्सन जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ही बीमारी जा सकती है और उसको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अब हम कुछ बीमारियां देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो जैसे चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है और उसको, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये बीमार कर सकती है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम फोर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें इसके अंदर बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और चार तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें नाम बताने हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत से ज्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं और इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, तो चार जो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैं, पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा फंगाई और लास्ट है एल्गाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है,
राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो हमें इसके अंदर दो एग्जाम्पल बताने हैं फूड प्रोडक्ट के जो माइक्रोब्स की मदद से हमें मिलते हैं. तो अब हम इसका आंसर देखते हैं. टू एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स आर, तो पहला है चीज और दूसरा है ब्रेड. राइट फोर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें चार यूजेस बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. तो अब हम इसका आंसर देखते हैं. फोर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, चार यूजेस हैं इसके. पहला डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, नेक्स्ट मेकिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक चीज ब्रेड एक्सेट्रा, नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल, के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, नुकसान करते हैं हमें. तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो अब इसका आंसर है नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल. तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये हमारी मदद करते हैं काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिन प्रिपरेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एंड मेकिंग ऑफ मैन्योर, और जो मैन्योर है, जो खाद है, उसको बनाने में भी हमारी ये मदद करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज की क्लास के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए. थैंक यू. आप अपने डाउट सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं.